चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव में जुड़ जाओ। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट जो है लाइव में आज जुड़ सके। जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को ज्वाइन, जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट शेयर कर दो, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो। समझिए लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, आज का क्लास जबरदस्त होने वाला, पूरे मॉडल सेट करवाने वाले हैं, यानी जो 70 क्वेश्चन का सलूशन अभी करवाने वाले हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, अभी तक जो है नोटिफिकेशन YouTube नहीं दिया है, इसलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में जुड़ सके। चलिए आज का शानदार सेशन की अपन अब शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है और शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल और कोर्स फटाफट जो है सब्सक्राइब कर लो, फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर देना ताकि जो है सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। समझ गए, क्लास डेली क्लास जो है 8:30 बजे से चलता है। अब जो है फिलहाल बायोलॉजी का क्लास अब समाप्त होने वाला है, एक क्लास और बचा है, उसके बाद जो है फिजिक्स का क्लास चलेगा, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। इसलिए वीडियो को जबरदस्त तरह से जो है शेयर करते रहना और सभी को बता दे लाइव क्लास डेली 8:30 बजे चलेगा और रिवीजन क्लास बायोलॉजी का जो है ना अब चलेगा 9:30 बजे से लमसम 9:30 बजे से डेली क्लास बायोलॉजी का रिवीजन क्लास चलेगा। चलिए अब आज का शानदार वीडियो का अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ पर वायरल क्वेश्चन एग्जाम 2023 के लिए आ चुका है, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला है, सभी क्वेश्चन आपके लिए खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आंसर लगाना शुरू कर दो सभी सभी स्टूडेंट। चलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अंशु गुप्ता, यहाँ पर सोनी क्यूट गर्ल, चलिए एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से जल्दी शेयर कर दो, अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए आज का शानदार सेशन का प्रथम क्वेश्चन है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणता होता है, क्या होता है, जो रात में खिलता है पुष्प वह छोटे छोटे पुष्प होते हैं, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी वाला बचेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर इंग्लिश मीडियम का लीजिए भी क्लास, इंग्लिश मीडियम के, अरे इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आप दो उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी कौन है, चार ऑप्शन देगा बराबर बताओ, उभयलिंगी प्राणी की बात की जा रही है, क्या होगा, केचुआ जो है ना उभयलिंगी प्राणी है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केचुआ, बहुत बढ़िया सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नवनीत सिंह बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो है शुभम बहुत ही सुंदर ऐसा लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है निम्न में से कौन द्विगुणित संचारण संरचना है, क्या पूछ रहा है, द्विगुणित संरचना क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने दे गया प्रॉपर आंसर लगा, क्या होगा, द्विगुणित संरचना कौन सा है, युग्मक जो है द्विगुणित संरचना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है एक मटर पौधा में 400 बीज निर्माण के में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है, एक मटर के पौधे में अगर 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया बराबर बताओ, अगर 400 बीज निर्माण होगा तो उसमें 500 अर्धसूत्री विभाजन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर फाइव, गुड इवनिंग सिंटू, चलिए एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी अभी लाइव में फटाफट वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में आ सके, समझ गए, न्यू सेल्यूस इन इंटरगेमेट से अतिरिक्त भून के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं, अतिरिक्त भून के निर्माण को जो है क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्या कहते हैं, पोलियो ब्रायोनी कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, नर युग्मक तथा मादा युग्मक संयोजन से क्या बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जो बनता है युग्मज बनता है, क्या बनता है, युग्मज बनता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन में सात बताया निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, चलिए बता निम्नलिखित में कोई एक पुष्प में क्या पाया जाता है, पुष्प होना चाहिए, पुरुष पर लिखा हुआ है, पुरुष में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन में सेवन का राइट आंसर क्या होगा, कॉपर ग्रंथि पाया जाता है, किसमें, कॉपर ग्रंथि, चार राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता। नर हार्मोन की बात हो रहा है, नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है ना वो होता है वृषण से, उत्पत्ति होता है वृषण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल ने प्रतिपादित किया है, किसकी बात है जल्दी बताओ। मेंडल ने प्रतिपादित किया है, मेंडल ने किसका प्रतिपादित किया? मेंडल ने जो है ना अनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादित किया, किस पर? तो मटर के पौधे पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पृथककरण के सिद्धांत को और कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथककरण के सिद्धांत जो है ना क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, मानव में रुधिर ओ वर्ग में है, क्या होता है? अगर मानव में रुधिर ओ वर्ग वाला अगर व्यक्ति है उसमें क्या होता है? ओ वर्ग वाले व्यक्ति में होता है ना एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, लाजवाब क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ क्या होगा। वैज्ञानिक एसएल मिलर ने कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोग में जल वाष्प, मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित गैसों का उपयोग किया है, कौन कौन गैस का उपयोग किया है जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का भी उपयोग किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया शुभम, सिंटू, अंशु, चलिए बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्वतः जनन का सिद्धांत जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था को जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज किया है? किसने खारिज किया था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो मैं चला रहे हैं ऑप्शन नंबर सी लुई पाश्चर, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लुई पाश्चर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में 14 कहता है, चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन ने जिस समुद्री यात्री जो है समुद्र की यात्रा किया था ना उस जहाज का नाम पूछ रहा क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी बताओ। उस जहाज का जो नाम था वह बीगल जहाज का नाम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी बताओ। ऑन्कोलॉजी का भी बात हो रहा है, ऑन्कोलॉजी जो है ना किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन 16, यौन संचारित रोग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग कौन सा है? गोनोरिया जो होता है वो यौन संचारित रोग होता है, एड्स होता है या सिफिलिस होता है, ये सभी यौन संचारित रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, केसर किस कारण से होता है? केसर जो है किस कारण से होता है? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा? यहां कैंसर होना चाहिए। कैंसर जो है किस कारण से होता है? कैंसर जो है उनको जीन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? उनको जीन्स के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, दोनों के साथ होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है, क्या होता है? कोई भी एंटीबॉडी रासायनिक रूप से क्या होता है? रासायनिक रूप से जो होता है वह प्रोटीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कोलेस्ट्रॉल में पाए जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल में पाए जाने वाला एंटीबॉडी का जो प्रकार होता है वो होता है IgA होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में अपन 20, मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन तथा अफीम जो है ना वह प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है? बहुत बढ़िया, पापाभर सोमनिफरम से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन में 21 कहता है कि हेरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है? हेरोइन की बात की जा रही है, हेरोइन जो है ना वह प्राप्त करता है पेपामीरेसी से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए
क्वेश्चन में यहां पर 22 छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं, छिपे हुए जो रंध्र है वो किसमें होता है, स्थूलोविद से होता है, ट्राइडेंस ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, आयु रचना की रेखा प्रदर्शन किसका लक्षण है, आयु रचना की रेखा प्रदर्शन जो है ना वह जनसंख्या का रचना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन 24, पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसे प्रस्तावित किए, जल्दी बताओ पारिस्थितिकी पिरामिड जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए, क्वेश्चन में 24 करेक्ट आंसर जो चला रहे ऑप्शन में चार्ल्स एल्टन ने उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है, जल धारण क्षमता जो है अधिकतम जो होता है किसमें होता है, तो अधिकतम होता है कले में होता है, राइट आंसर ऑप्शन में ए वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहां पर 26, साधारणता कितने तीव्र की ध्वनि मानव सहन करता है, साधारणता जो है ना 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि जो है ना मानव सहन करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका उत्तरदायी होता है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, ओजोन परत अपक्षय के लिए होता है, राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, चिपको आंदोलन निम्न की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है, जल्दी बताओ चिपको आंदोलन किसके लिए हुआ था, वृक्ष जो कटाई हो रहा था इसके कारण हुआ था, राइट आंसर क्या होगा, जंगल को कटाई के कारण हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन बी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्न में से कब चिपको आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन जो है हुआ था ना वह 1974 को हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन में ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस की बात हो रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलिए एग्रीकल्चर से अरे सोनी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, फास्फोरस चक्र में अपचरण द्वारा उत्पन्न फास्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है, सर्वप्रथम उपलब्ध कहां से होती है, तो क्वेश्चन में 31 का राइट आंसर जो बच्चे लगाने उत्पादकों को उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या वो ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां पर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नांकित में से बाह्य स्थानों संरक्षण का उदाहरण क्या होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का जो उदाहरण होता है ना वह हो जाता है बीज बैंक होता जाता है, बीज बैंक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वह विख्यात है गेंदा के लिए, किसके लिए, गेंदा के, एक सिंग वाले गेंदा के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, कभी उल्टा पिरामिड कौन नहीं होता है, चार ऑप्शन देगा, जल्दी बताओ ऊर्जा का पिरामिड जो है कभी भी उल्टा नहीं होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, जैव मंडल का अर्थ होता है, जैव मंडल का अर्थ क्या होता है, जैव मंडल का जो अर्थ होता है ना वह होता है एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एवं हाइड्रोस्फियर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 36, टिड्डा क्या है, किसका बात हो रहा है, टिड्डा की बात हो रहा है, टिड्डा जो है क्या है, टिड्डा जो है ना वो उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया नवनीत सिंह, तो बायोलॉजी का क्लास देख रही हो, अरे यार बायोलॉजी का क्लास हो रहा तो बायोलॉजी का ही क्लास देखेगी ना, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ गए कहां से हैं, अरे क्या कर रहे हो यहां पर, अरे आंसर लगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है,
जनसंख्या जो है अधिक होने से जो होता है ना क्या होता है, आय में कमी आ जाएगी, जमीन में भी कमी आएगी और खनिज पदार्थ में भी कमी आएगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 38, स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होता है। जल्दी बता, स्टेम कोशिका की बात हो रहा है। स्टेम कोशिका जो है ना वह होता है योक के सेक से होता है और गर्भस्थ शिशु के यकृत में भी होता है, अस्थि मज्जा से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर 39, जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है। जीन गन की बात हो रहा है, जीन गन जो है ना वह होता है संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन की डीएनए का निर्माण के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चले क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछेगा जीवाणु जनित रोग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, कुष्ठ रोग जो है जीवाणु जनित रोग, क्षय रोग होता है जीवाणु से, क्षय रोग दो दो बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर यहां पर 41, इनमें से कौन प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। क्या होगा, रूट मेटॉय अर्थराइटिस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा क्वेश्चन में 41, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का फटाफट आंसर लगाओ, क्या होगा राइट आंसर जल्दी से बताओ। बहुत से सुंदर, प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियां जो आज के मेढक और सेलामांडर के पूर्वज बने हैं वो कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत सीला केंट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में यहां पर 43, क्वेश्चन में 43 अनुकूलन के आधार पर विभिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। क्या कहलाएगी, क्वेश्चन में 43 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में बी लगा रहे हैं, अपसारी विकास उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में यहां पर 44, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं उसे क्या कहते हैं। 2n+1 के कारण जो बच्चा मंदबुद्धि होता है ना उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 45, द्वि संस्करण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। द्वि संस्करण क्रॉस का जो है फिनोटिपिक अनुपात जो होता है वह होता है 9:3:3:1 के अनुपात में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, स्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। स्टोली कोशिकाएं जो है कहां पर पाए जाते हैं, वह विदिशन में पाए जाते हैं। कहां पर, विदिशन में। राइट आंसर ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 47, एक क्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। एक क्रोसोम जो है ना किसका संभाग होता है। राइट आंसर क्या होगा, मानव शुक्राणु के सिर का जो है ना भाग होता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का फटाफट आंसर लगा, निम्नलिखित में से एंथर वॉल का हिस्सा नहीं है। एंथर वॉल का हिस्सा कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर लगा फटाफट, एंडोथेलियम जो है ना वह एंथोवॉल का हिस्सा नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन में बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, एक एपिडियोटस बना होता है। एक एपिडियोटस जो है किसका बना होता है। क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, क्या होता है, एक सेल और सेनोगिट्स का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और भी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सेनोट्यूम कहलाता है। जल्दी बता कौन सा भाग को। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर ए, नारियल के बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर यहां पर 51, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं।
जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जो है ना जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा जीवन काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 1 किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं। क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 52 का बराबर आंसर लगाओ, क्या होगा? मोरोफेलेक्सिक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में ए वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। SO2 प्रदूषण का सूचक है, क्या होगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा, लाइकेन होता है। क्या होता है? लाइकेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या होता है? बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2S होता है और CH4 होता है, मीथेन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन 55। क्वेश्चन 55 अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक जो होता है विषमपोषी होते हैं। क्या होता है? विषमपोषी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चा का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। सबसे बड़ा परितंत्र है, जल्दी बताओ सबसे बड़ा जो है परितंत्र क्या है? तो क्या होगा? समुद्री परितंत्र होता है सबसे बड़ा परितंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? एंटीबॉडी एलर्जी कौन शुरू करता है? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? IgE जो है शुरू करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। ATZ औषधिक इसके इलाज में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? इसके इलाज में क्या प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर लगा रहे एड्स, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? एड्स प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपचारिक परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे कैसे लोग हैं सर? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर सी, उनका 100% इनमें से दोनों हो जाए, यानी जो है ना अधिवृक्क में ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलामिन का रक्त में श्रावण होता है। उसके बाद जो है व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंद की दर में एकाएक वृद्धि भी हो जाता है, उसे में होता है तंबाकू सेवन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपन 60। इनमें से कौन सी बीमारी परियोजक द्वारा उत्पन्न होती है? क्वेश्चन में 60 का राइट आंसर क्या हुआ? हेजवर होता है। क्या होता है? हेजवर। राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 61। ऑस्ट्रेलियाई शिशु धानी तस्मानियाई भेड़िया तथा एक अपरा स्थानीय भेड़िया दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ये सभी जो है ना वो क्या दर्शाते हैं? क्वेश्चन में 61 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, अभिसारी विकास को दर्शाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। जीव संख्या के समस्त जीन का योग कहलाता है। जीव संख्या के समस्त जीन का योग क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में ए लगा रहे जीन कोश, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक सर्वदाता है? रक्तदाता है, जल्दी बताओ। रक्तदाता किसे कहते हैं? सबको बता, वो जो है सबको रक्त दे सकता है, रक्तदाता करेंगे कहेंगे, समझ गए? और रक्त सर्वग्राही किसे कहते हैं? सर्वग्राही यानी सबका रक्त ले सकता है, ये भी सर्वग्राही होता है। ये किसी को रक्त दे नहीं सकता, सिर्फ ए बी वाला यही इसका रक्त ले सकता है, नहीं तो ये किसी को रक्त दे नहीं सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। एक संस्करण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? एक संस्करण क्रॉस का फिनोटिपिक जो अनुपात होता है वह क्या होता है? वह अनुपात होता है 3:1 के अनुपात में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में यहां पर
65 एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडा की संख्या होती है। जीवन काल में पूरे जीवन काल में जो है कुल अनुपात जो होता है कुल अंडा की अनुपात जो होता है वह 400 होती है। क्या यानी 400 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 66 कहता है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। इसका जो मुख्य कारण होता है क्या होता है, इसका मुख्य कारण इनमें से कोई नहीं होगा। क्या बात, शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी नहीं होगा। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षण कणु क्रिया में वृद्धि यह भी नहीं होगा। शुक्राणु की गतिशीलता में कमी यह भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग किसके बीज में होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर सी उनका 100% सही है, मटर में होता है। किसमें, मटर में। चलिए क्वेश्चन में यहां पर 68 इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन किसका खाया जाता है, सबको पता है सेब का पुष्पासन जो है वो खाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69 द्वि निषेचन किसमें पाया जाता है। द्वि निषेचन जो है किसमें पाया जाता है, तो द्वि निषेचन जो है अवृत बीजी में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है। किसका परागण जो है जल द्वारा होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, जो स्टेरा का जो परागण जो है वो जल द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, आज का क्लास आप सबको कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी स्टूडेंट लाइव में जुड़े। 8:30 बजे से डेली लाइव का क्लास चलता है, समझिए, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।